शब्द प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम देखेंगे लाजिम है कि हम ही देखेंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, फैज की किसी बात को या उसके शेर को एंटी हिंदू कहा जाए, ये मतलब इतना अब्सर्ड और फनी है कि इस पर सीरियसली बात करना था थोड़ा मुश्किल है। फैज अहमद फैज जो एक समझिए जो हिंदुस्तान में अनडिवाइडेड इंडिया में प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट हुआ था, उसके एक लीडिंग स्टार फैज अहमद फैज थे। हिंदुस्तान में आज़ादी आई लेकिन साथ में पार्टीशन भी हुआ, लाखों लोग बेघर हुए, मरे, यहाँ से वहाँ आबादी गई। फैज ने नज़्म उस वक्त क्या लिखी थी, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, यानी वो सुबह जिसे रात ने डस लिया है, ये सुबह तो है मगर इसे रात ने डस लिया है कि उसी के साथ पार्टीशन भी हुआ है। ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। जिस आदमी ने ये दुख दिखाया था कि ये मुल्क के टुकड़े कैसे हो गए, उस पर पोएम लिखी थी, उसके बारे में ऐसी बात करना, वो आदमी जो कि अपनी ज़िंदगी के जो उसने साल पाकिस्तान के हैं उनमें से आधे बरस तो मुल्क से बाहर गुजारे इसलिए कि वो मुल्क में रह नहीं सकता था, जिसको एंटी पाकिस्तान कहने लगे थे लोग, होता क्या है आजकल यहाँ एंटी इंडिया कहते हैं ना, जहाँ आपने फंडामेंटलिज्म के ख़िलाफ़ बात की, जहाँ आपने तंग नज़री और नफ़रत के ख़िलाफ़ बात की तो कहते तुम देश के ख़िलाफ़ हो। वही उसके साथ हुआ कि वो बरसों तक तो पाकिस्तान से बाहर रहा। और ये पोएम जिसका जिक्र आजकल हो रहा है, ये पोएम लिखी थी फैज ने ज़ियाउल हक की सरकार के खिलाफ, जो कि फिर वही कम्युनल और रिग्रेसिव और फंडामेंटलिस्ट सरकार थी, यानी पाकिस्तान में भी जो रिग्रेसिव कहलाए और फंडामेंटलिस्ट कहलाए तो वो कितना फंडामेंटलिस्ट होगा आप सोचिए, उसके खिलाफ ये पोएम लिखी थी। उसमें किसी ने एक वर्ड पॉइंट आउट भी किया है कि साहब इसके क्या मतलब है, गूंजेगा अनल हक का नारा। ये अनल हक का मतलब क्या है? अनल हक का मतलब है अहम ब्रह्म। ये इस्लामिक थॉट नहीं है, ये सूफीज ने शुरू किया था अनल हक, जो अद्वैत की फिलॉसफी है कि क्रिएशन और क्रिएटर अलग नहीं है, सब एक है। जो इंसान है या जो कुछ है वो गॉड का ही मैनिफेस्टेशन है, उसी का एक रूप है, इसलिए कि दो चीज़ें ही नहीं है, सब एक। ये इस्लामिक थॉट नहीं है, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जूडाइज्म में गॉड जो है वो एक मास्टर है, मालिक है, एक हाकिम है, और इंसान रियाया है, जनता है, वो उसके दरबार में है, वो उसकी हुकूमत में है, और ये उसको देख रहा है, उसके बारे में फैसला करेगा और या तो उसे जन्नत भेजेगा, दोज़ख, खैर, लेबन, जो भी। लेकिन ये और वो एक नहीं है, क्रिएटर और क्रिएशन एक नहीं। ये फिलॉसफी जो है ये वैदिक फिलॉसफी है कि क्रिएटर और क्रिएशन एक, जो सूफीज ने भी ली हुई है। अनल हक का नारा सूफी लगाते थे फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, ट्रेडिशनल रिग्रेसिव रिलीजियस इंटरप्रटेशन के खिलाफ। और सरमद नाम का एक फकीर था इसी दिल्ली में जो अनल हक का नारा लगाता था, और अनल हक के नारे की वजह से उसकी गर्दन कट गई। किसने कटवाई? औरंगजेब ने। औरंगजेब अनल हक के नारे के खिलाफ था, वो कहता था ये इस्लाम के खिलाफ नारा, इसमें तो तुम कह रहे हो कि तुम और खुदा अलग नहीं हो। तो अभी आप समझिए कि फिर औरंगजेब उसके खिलाफ हो गए, इस नारे की वजह से एक सूफी की गर्दन औरंगजेब ने कटवाई थी। तो आज जो लोग अनल हक के खिलाफ बोल रहे हैं वो औरंगजेब की तरफ से बोल रहे हैं, यही तो उसके विचार थे, यही उसकी थॉट थी कि अनल हक ये कैसे कह रहा है, ये इसको ये कहना कि हिंदुओं के खिलाफ, इसके ऊपर तो इल्जाम ये रहा है अनल हक के ऊपर कि ये तो हिंदू फिलॉसफी है। अब ऐसे जाहिलों से, ऐसे बेवकूफों से कैसे बात की जाए, तरकीब बताइए।